वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों गुड आज इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग बेटा. आज हम लोगों को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है अपने चैप्टर की सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. ठीक है, सेकंड क्लास है. आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो कि आपके मॉड्यूल में भी दिए गए हैं लास्ट क्लास में. आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनकेस अगर है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है बेटा, फिर ये देखिएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है जरा ध्यान से पढ़िएगा. एस लिमिटेड है. ये क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने पूछा भी था और मैंने उसको यही कहा था कि बेटा इस क्वेश्चन को मैंने अभी कराया नहीं है, आप पेशेंस रखिए, कमिंग क्लास में मैं इसको करवाऊंगा. Yes, sir. तो जिसने भी पूछा था उसको अब अपनी बात का जवाब मिल जाएगा. एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, सेल्स और रिटर्न बेसिस. All such transactions are, however, treated as actual sales. हमें पढ़ना है इस लाइन को. Actual sales and are posted through day book. Day book में की जाती थी. Just before the end of accounting year, that is on 31st March 2016, 200 such goods have been sent to dealer at the rate 250 each. 200 गुड्स की कहानी बताई जा रही है यहाँ पे कि 200 गुड्स हमने 250 रुपए ईच के हिसाब से अपने डीलर को भेज दी है जिसकी की कॉस्ट प्राइस था 200 रुपए ईच. तो ये अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा क्या कह सकता हूँ कि 50 रुपए हर गुड्स के ऊपर मेरी कमाने की इच्छा है. प्रॉफिट कितना है? 50 रुपीज ईच, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है जी. On sales or return basis and debited to his account, ये तो होना ही था. ठीक है जी. Of these goods, अब इसके बारे में बताया जा रहा है जो 200 goods भेजी गई थी उसमें से 50 goods जो है वो return कर दी गई है customer के द्वारा. 70 goods जो है and 70 goods while for other the goods date of the return has not yet been expired. तो 70 गुड्स का क्या है जी, 70 गुड्स एक्सेप्ट कर ली गई है, 70 गुड्स जो है वो सोल्ड मान ली गई है. देखिए यहाँ पे ना लैंग्वेज से हमें पता लगता है 50 गुड्स रिटर्न कर दी गई है, 70 गुड्स सेल मान ली गई है, यानी कि एक्सेप्टेंस आ गई है. रिटर्न कर दी गई है मतलब रिजेक्शन. ठीक है जी. 70 गुड्स सेल मान ली गई है इसका मतलब एक्सेप्टेंस. और बाकी की जो रिमेनिंग गुड्स है उनका कोई अता पता नहीं है और जिनका की अभी तक टाइम पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ है. तो कितनी गुड्स बच गई? 50 और 70, 120, यानी कि हम रिमेनिंग 80 गुड्स की बात कर रहे हैं. तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखता हूं यहाँ पे, आप अपने आंसर के अंदर भी लिखिएगा. ये आपकी मॉड्यूल का क्वेश्चन है. ठीक है जी. इलस्ट्रेशन नंबर 4th है और 6.37-38 पेज पे शायद दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं. तो चलो जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितनी थी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितने की थी सर? 200 गुड्स थी, 200 रुपए की कॉस्ट थी, यानी कि 40,000 रुपए का सामान हमने भेजा है. ठीक है सर. और सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सेंट सर 200 गुड्स भेजी गई थी 250 रुपए के दाम पे, तो ये हमारा 50,000 रुपए हमारा सेल्स प्राइस था. यानी कि मोटा मोटा मैं देख सकता हूं दोनों का डिफरेंस कितना है. अगर ये सारी की सारी बिक जाती तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाता? मेरा प्रॉफिट था 10,000 रुपए का. ठीक है सर. और पर यूनिट का अगर मैं बोलूं तो वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है, 200 की चीज 250 में बेची, बेचने की कोशिश की गई है, तो इसका मतलब
₹50 पर यूनिट का प्रॉफिट, ठीक है सर। चलिए यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे एक डायग्राम टाइप बना लेते हैं कि सर हम 200 गुड्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर 200 गुड्स की। 200 गुड्स में से जैसा कि अभी हमने देखा कितने गुड्स, 50 गुड्स रिटर्न हो गए, यानी कि रिजेक्शन आ गया, ठीक है। जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया उनके लिए भी मौका है देखने का क्वेश्चन को दोबारा से। 80 गुड्स एक्सेप्ट कर ली गई, एक्सेप्टेंस आ गया सर, 70 है, हाँ सॉरी 70 है, हाँ 70 गुड्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस आ गया। और रिमेनिंग कितनी बच गई हमारे पास, 80 गुड्स बच गई भाई, 200 में से 50 और 70 माइनस कर दो तो आ जाता है हमारे पास 80 गुड्स, जिनका की टाइम पीरियड अभी तक लैप्स नहीं हुआ है ना, यही सब है ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। यस सर। चलो जी, अब एक बात बताओ, जो हमने रिटर्न कर लिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि जब हम सेल सेंड करते हैं ना चीजें तो हम उसकी एंट्री बना देते हैं, तो जो रिटर्न गुड्स हैं जब ये रिटर्न होकर के आई हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए सर, इसके लिए एंट्री रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एंट्री रिक्वायर्ड, हमने उसको सेल मान लिया था और अब जब वो रिजेक्ट हो गई है तो उसके लिए एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अभी देखो इसके बारे में ये नहीं बोला गया कि 50 गुड्स जो थी ना विद इन टाइम पीरियड ही वापस आ गई थी, 50 गुड्स जो थी वो रिटर्न हो गई थी विद इन टाइम पीरियड ही, ठीक है जी। 70 गुड्स के लिए, 70 गुड्स के लिए एक्सेप्टेंस थी और जब हमने सामान भेजा था, जब हमने सामान भेजा था तब हमने उसके ऊपर सेल की एंट्री कर ली होगी, तो इसके ऊपर नो एंट्री रिक्वायर्ड। यस सर। यस सर। नो एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है जी, ओके। अब सर ये जो 80 गुड्स है ना, इस 80 गुड्स का कलेश है हमारे पास में, क्या कलेश है सर, कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने इसके लिए ना हाँ बोली है ना बोली है और टाइम पीरियड भी लैप्स नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे जी, हम इसकी एंट्री कैंसिलेशन की लगाएंगे। यस सर। नीड एंट्री फॉर कैंसिलेशन। सर कैंसिलेशन की क्यों लगाएंगे? बढ़िया, देख मेरी बात अब अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल आंखें खोल के और मन की आंखें भी खोल के, दो चीज हमारे पास है ना, दो चीजें होती हैं हमारे पास, दो चीजें होती हैं, एक होती है पिछली क्लास में भी मैंने बोला था कि हमारे पास एक होता है कैंसिलेशन और एक होता है रिटर्न। रिटर्न की एंट्री तब बनाते हैं जब अपने को रिजेक्शन आ जाता है, रिटर्न की एंट्री कब बनाते हैं जब हमें रिजेक्शन आ जाता है, आ जाता है। और एक होता है कैंसिलेशन, अभी तक उसने ना नहीं की लेकिन हाँ भी नहीं की, हाँ yes, भी की और ना भी नहीं की, तो सर फिर क्यों कैंसिलेशन की एंट्री बना रहे हो? इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी तक टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ, 31 मार्च आ गई बीच में, okay। और 31 मार्च जब बीच में आ जाती है ना तो हमारे को क्या करना पड़ता है सर, स्टॉक जो है वो अपने पास दिखाना पड़ता है, यानी कि चाहे स्टॉक विद कस्टमर के नाम से दिखाऊं लेकिन स्टॉक अपने पास दिखाना पड़ता है और साथ ही सेल को कैंसिल करना पड़ता है, ये रूल है हमारे, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिलेशन की एंट्री होने वाली। अच्छा जी, चलो सर अब कर लेते हैं एंट्री। अब हमें पता तो लगी कि अब एंट्री लिखना कौन सा मुश्किल काम है, सबसे पहले तो एंट्री फॉर 50 गुड्स, एंट्री फॉर 50 गुड्स, पचास चीजों के लिए, ठीक है। बोलो जी रिजेक्शन की एंट्री क्या होगी, बोलो, मेरे को नहीं आती, आप बताओगे रिजेक्शन की एंट्री, बताओ जी जल्दी बताओ,
सेल्स रिटर्न डेबिट सेल्स रिटर्न लिखना है, सेल्स डेबिट नहीं लिखना। सेल्स डेबिट का मतलब होता है कैंसिलेशन। और अब हमारी रिजेक्शन आई है, रिजेक्शन आई है तो सर सेल्स रिटर्न लिखेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीव, ट्रेड रिसीवेबल। कि जो भी बच्ची ने जवाब दिया ना, ये एक मेरे तरफ से चॉकलेट लेकर के खा ले, जैसे मेरा लॉकडाउन खत्म होगा ना मैं पेमेंट करूंगा या फिर मैं पेटीएम करूंगा। ऐसा नहीं होने वाला सर। हाँ जी सर बोलो बेटा। सर जो आप ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर रहे हो, मॉड्यूल में तो ये लिखा है कि हम सेल्स रिटर्न की जगह सेल्स को भी डेबिट कर सकते हैं। लिखा रहने दे बेटा, हमें नहीं करना। तेरा मानना ये है मैं मॉड्यूल से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है ना, तो उन्होंने अगर गलत लिखा हुआ तो बेटा मैं थोड़ी ना गलत लिखूंगा। सेल्स रिटर्न करेंगे रिजेक्शन के केस में। देखो पता क्या होता है, मॉड्यूल वाले मॉड्यूल क्या करता है अपने साथ में, मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई। अभी अपन छोटे हैं ना, हम लोगों ने क्या नाम है उसके लिए लॉ पढ़ा नहीं, उस चीज के लिए मॉड्यूल खुद ही बोलता है, कहता है रिजेक्शन के केस में सेल्स रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए और कैंसिलेशन के केस में सेल्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ये मॉड्यूल ने बोला, मैंने नहीं बोला, मॉड्यूल नहीं बोला। सुन तो सही, सुन बात तो सुन, बात तो सुन। और खुद ही ऐसा बोल करके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो खुद ही उस चीज को भूल जाता है। तो लेकिन हम तो नहीं भूलते ना उस बात को, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाई। हाँ अब बोल, क्या कहना चाहते हैं सर? बट हमारी एक्चुअल सेल तो हुई नहीं है, तुम सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, सेल्स कैसी बात कर दी आपने, ये देखना जरा, पर देखना जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 200 गुड सेल तो हुए। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। जब हम सेल्स और रिटर्न बेसिस पे सेल्स करते हैं, जब हम सामान भेजते हैं, तो चैप्टर की शुरुआत में क्या बताया गया था, सामान भेजते ही हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते? तीन चीजें होती है हमारे पास, मैंने बताया था। अगर ओकेजनली ऐसा काम चल रहा है, ओकेजनली ऐसा काम चल रहा है तो हम सेल्स की एंट्री बनाएंगे। आप अपने जो आपने रजिस्टर के अंदर 1 2 3 4 लिख रखा है ना, उसको एक बार फिर से दोबारा से मैच करो बेटा। इसका मतलब आपने घर जा करके होमवर्क नहीं किया था। आप अभी भी चेक कर लो अपनी कॉपी के अंदर, जब हमने लिखा हुआ है इस चीज को कि जब भी सेल्स, जब ओकेजनली बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाएंगे, और ओकेजनली बुक्स ऑफ अकाउंट हम बनाते हैं तो जैसे ही माल भेजते हैं, तो माल भेजते ही हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर से इसमें हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया मेरी गुड़िया? क्योंकि यहाँ पे ना वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे डे बुक के अंदर सारी एंट्री पास हो चुकी है, और अब हमें जो 200 बुक्स दी हुई है ना उसकी बात करनी है। यानी कि हमारा क्वेश्चन है ना बीच से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर एंट्री करते भी हो गुड्स सेंड की, तो फिर आप कितनी गुड्स की करोगे? 200 गुड्स की करोगे? फिर आप 200 गुड्स की। आपकी इच्छा, उसके कर देंगे, उसके नंबर नहीं कटेंगे। अगर कर देंगे तो गलत तो नहीं है ना? ना, बिल्कुल गलत क्यों होगा? भैया सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला, मैंने कहा हलवा बना दो, आपने पूड़ी भी बना दी, तो मुझे नाराज होगा क्या? मैं, मेरे को तो हलवा और पूड़ी दोनों मिल रहे हैं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? हाँ मैंने बोला हलवा बना दो और आपने हलवा भी नहीं बनाया, पूड़ी भी नहीं बनाई, तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, एक्स्ट्रा एंट्री के नंबर नहीं कटते, ऐसे नहीं घबराना, इंस्टीट्यूट इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा जी, तो हमने क्या कह दिया जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है जी, रिएक्शन थी हमारी। अब इसका ना अमाउंट निकालना पड़ेगा बेटा हमारे को, इसका ना अमाउंट निकालना पड़ेगा। सेल्स प्राइस कितना था, जरा सेल्स प्राइस निकाल करके बताना भाई कितने की। 250 रुपए की थी ना एक गुड्स, तो 250 रुपए से मल्टीप्लाई कर 50,500 होती है मेरे को, 12,500 बताया। ये हमने एंट्री कर दी जी रिजेक्शन, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब एक्सेप्टेंस की एंट्री सर, एंट्री। हाँ जी बेटा, ये 1,200-1,500 कैसे आया? 1,200-1,500 कैसे आया? देखो हाँ जी, हमारी कितनी गुड्स थी, 500 गुड्स थी ना,
दो सौ, 200 थी ना? नहीं बेटा, 50 गुड्स रिटर्न हुई है, 250 रुपए की ओ है। हाँ ठीक है। अच्छा, यस नो एंट्री का मतलब तो नो एंट्री ही होता है, कैंसिलेशन की एंट्री अब हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब एंट्री फॉर 18 जी। अच्छा, क्या एंट्री बना दूं? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, एक तो सेल्स प्राइस बना दी मैंने, ठीक है, और दूसरी इन्वेंटरी विद कस्टमर, इन्वेंटरी विद कस्टमर, अकाउंट डेबिट की, जिसके अभी माइक ऑन है प्लीज बंद कीजिए, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये वाली एंट्री तो होगी सेल्स प्राइस पे। यस सर। ठीक है ना, तो भाई ये 80 इनटू में 250, 250 20,000 सर, और ये होगी कॉस्ट प्राइस पे 18 to 200। ठीक जी। कर लिया जी नोट ये सारा आंसर? यस सर। जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे घर से आते हुए शोरगुल के ऊपर ध्यान ना दीजिएगा, जरा ये दरवाजा बंद कर दीजिए, बच्चे का शोर। हाँ जी बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी आपके मॉड्यूल का ही है, ये आपके मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और शायद पेज नंबर 6.38 पे दिया हुआ है। देखो जी क्या लिखा गया है इसके अंदर, सेली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर, भाई आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरत है गैस कंटेनर टू द ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, आई होप यू, गैस सिलेंडर, गैस कंटेनर टू डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड पास थ्रू डे आउट बुक। ठीक है जी, इसको एक्चुअल सेल्स मान लिया जाता है और डे बुक के अंदर पास कर दिया जाता है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर व्हिच कॉस्ट देम 900 ईच हैव बीन सेंट टू डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो आंखें खोल करके देख लीजिए, 100 गैस कंटेनर्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी की कॉस्ट है 900 ईच, सेल्स और रिटर्न बेसिस पे भेजे गए हैं और इनकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 1200 ईच थी सेल्स और रिटर्न बेसिस, एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच। आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। ओ माय गॉड। हाँ जी, ये कौन सा केस है, कौन बताएगा मेरे को? सर एक्सेस में पे करा हुआ है, एक्सेस में, हाँ, हायर प्राइस। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, याद करो, याद करो, एक्स्ट्रा प्राइस को हम अलग से लिखते थे ना,
सेल्स को बढ़ा देते थे, अलग से सेपरेट सेल मान लेते थे और सेपरेट सेल yes, मान लेते तो उसकी yes, सेल को बढ़ा देते थे। सही कह रहे हैं मेरे बच्चे, मतलब मजा आ गया। होमवर्क करा हो तो यही फायदा होता है। ठीक है जी, अब कहता है कि अब आप क्या नाम है इसकी एंट्रीज करो। ठीक है सर, तो इसको जरा क्वेश्चन को तरीके से पहले देख लेते हैं, लिख लेते। ठीक है, ये है हमारा आज। ठीक, क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ 20 गुड्स लिख लो, चेक 20 कंटेनर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, कितने का था, 20 × 900 यानी कि 18,000 रुपए की कॉस्ट का ये सामान था, 20 कंटेनर की जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सेल प्राइस कितना था, सेल्स प्राइस था 1200 कंटेनर्स, 1200 और 24,000 हो गए। लेकिन एक्चुअल सेल्स कितने की हुई है, बीस कंटेनर सर 1500 के हिसाब से कितने का हो गया, 30,000 हो गया ना। यस सर। तो सर इट इज द केस ऑफ एक्चुअल सेल्स इज ग्रेटर देन सेल्स प्राइस, ये है। देयरफॉर वी नीड टू रिकॉर्ड एक्स्ट्रा सेल्स ऑफ रुपीस 300 ईच ऑन 20 कंटेनर्स। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो एक तो हो गया ये ट्रीटमेंट ऑफ, इसको साइड में लिख देते हैं, आप हेडिंग में लिखना, ऊपर ही लिखता हूं चलो, ट्रीटमेंट ऑफ 20 कंटेनर्स। अब जी 80 कंटेनर की बात भी करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ 80 कंटेनर्स सौ भेजे थे, 20 के बारे में तो बता दिया, 80 के बारे में कुछ नहीं बताया जी, और ये क्या है जी, अनसोल्ड है। yes, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। एस 80 कंटेनर लिखिएगा बेटा, एस 80 कंटेनर पता नहीं इसको बीच बीच में क्या हो गया, sent on approval basis and no answer has been received yet and time period not expired, time period bhi expire nahi hua,
we need to cancel the sales and increase the closing stock with customer. ठीक है जी, ये करेंगे हम। ठीक है सर, आप ऊपर वाली गुड्स की एंट्री लिख लेते हैं, कलर चेंज करके लिख लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। हाँ जी बोलना, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से कर दूं जी? 6000 यानी कि 20 गुड्स इनटू 300 ईच के हिसाब से। ठीक है सर, और यहाँ पे तो ये 300 क्यों किया है? 20 into 300। अच्छा एक सेकंड, 20 कंटेनर थे? हाँ जी। और एक्स्ट्रा सेल कितनी की? 300 की। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1200 का और 1500 का, यानी कि 1200 तक तो उसको रिकॉर्ड कर चुके थे, 300 की एक्स्ट्रा हुई है ना। अच्छा ओके सर, अब यहाँ पे एंट्री लिख देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट पहली एंट्री, और दूसरी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 900 था ना? नहीं 1200 था। 1200 था। और 900 था इसका, 80 into 900 ये कॉस्ट प्राइस था। सर इसको एक्स्ट्रा प्राइस से नहीं करेंगे ना, जो हमारा 1500 था? एक्स्ट्रा प्राइस की तो जो सेल हुई है उसी को ही करेंगे ना केवल। अच्छा, एक्स्ट्रा प्राइस कर दिया तो इसका मतलब क्वेश्चन का कांड हो गया बिल्कुल। ओके सर, ये जी हमारा पूरा आंसर। देखो आपके आंसर के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज लिखी हुई होती है, ये आपका आंसर कितना है? आपका आंसर सिर्फ इतना सा है, ये तीन एंट्रीज है, एक ये वाली एंट्री और दो ये वाली एंट्री। लेकिन ये तीन एंट्रीज बनाने में आपका जो दिमाग लगेगा वो ये सारा का सारा लगेगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो ये तीन एंट्रीज आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। और अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सारी चीजें लिख करके आ जाते हो ना, मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चा कॉन्सेप्चुअली समझ करके क्वेश्चन को कर रहा है, ऐसे ही बस हवा में एंट्री नहीं बना रहा। चलो आगे। यस सर, यस सर। ई लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सॉरी गलती से क्वेश्चन ऊपर चला गया, ये रहा क्वेश्चन। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन costing 200 each to their customer on sales on return basis. All such transactions however treated like actual sales and passed through Dray Book. Just before the end of financial year, that is on December 24, 2017, 300 such accounting machineries were sent
एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 280 ईच. इनवॉइस प्राइस बोला यानी कि सेलिंग प्राइस है जी. कितनी मशीनरी? 300 मशीनरी. 300 मशीनरी की बात चल रही है. आउट ऑफ दीज 90 अकाउंटिंग मशीनरी एक्सेप्टेड. 90 अकाउंटिंग मशीनरीज आर एक्सेप्टेड यानी कि इसको तो हम सेल मान लेंगे. अब सेल मान क्या लेंगे, जब चीजें भेजी थी तभी सेल मान लिया था. चलो आगे पढ़ते हैं. बाय द कस्टमर रुपीज 250 ईच. लोअर प्राइस. लोअर प्राइस. अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को. यस सर. हमने जब सामान भेजा होगा और रिकॉर्डिंग की होगी तब हमने 300 रुपए से की होगी. सॉरी 300 नहीं, 280 से की होगी. 280 से की होगी हमने. ये हमने रिकॉर्ड किया. हमने अपने अकाउंटेंट को क्या बोला खुश होकर के, हमने कहा अकाउंटेंट 300 गुड्स भेज रहा हूं 280 ईच की. लगा दे रिकॉर्डिंग कर दे इसकी. अकाउंटेंट कहता जी जनाब कर दिया सर हमने. बाद में जाकर के पता लगता है हमारा कस्टमर कहता है मैं नहीं देने लगा इसका 250 रुपए से ऊपर. हमने कहा हो अब क्या करें, अब करें क्या, जो सेल्स कर दी थी 30 रुपए पर सेल. देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 280 और 250 30 रुपए का है ना, तो 30 रुपए से हम सेल्स को डाउन कर देंगे. यस सर. ठीक है जी, चलो ये बात तो समझ में आ गई. एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग. 15 दिनों की बात हो रही है यहाँ पे. फोर्थ कमिंग का क्या मतलब होता है जी, 15 दिन. हमारे को कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक. ठीक है जी, शो द जर्नल एंट्रीज. चलो आप जरा लिख लेते हैं इसको, इसके जवाब को तैयार करते हैं पहले तो तरीके से. लिखेंगे जी कॉस्ट ऑफ 300 मशीन्स. कॉस्ट ऑफ 300 मशीन्स 300 × 200 यानी कि 60,000. फिर सेल्स प्राइस ऑफ 300 मशीन्स सर 300 × 280. हमने सोचा था 300 × 280 में हो जाए. कितना हो गया ये बताना जरा जल्दी से. 84,000. 84,000 पक्का? यस सर. ओके. अब भाई साहब हुआ क्या, इन 300 मशीन्स में से 90 मशीन्स एक्सेप्ट कर ली गई. एक्सेप्ट कर ली गई एट द रेट 250 ईच और 210 मशीनरीज का नो आंसर एंड टाइम पीरियड नॉट लैप्स. ये सीन है हमारे साथ पूरे क्वेश्चन के अंदर. अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने पहले भी समझा दिया था हमें, चलो दोबारा फिर समझा दिया. अब भाई साहब इसके साथ में क्या होना है, एक्चुअल प्राइस यानी कि जितने पे सेल हुई है वो है लेस देन सेल्स प्राइस. Less than sale price. Therefore, we need to reverse the sales by rupees 30. 30 कैसे आया भाई? 280 minus 250 each. ठीक है जी. और ये 210 सर ये कर करके तो हम पक चुके हैं, क्यों हमारे को शर्मिंदा करते हो. इसमें हमें दो एंट्री करनी है,
एक तो सेल्स कैंसिल करने की और एक क्लोजिंग स्टॉक की, और दूसरा स्टॉक विद कस्टमर या फिर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करना। बस तो चलो कर देते हैं पकड़ के एंट्रीज। सर बोलो, आपने पहले तो बताया था एक्सेप्ट करने की कोई एंट्री होती नहीं है, बट यहाँ पे हम फर्स्ट में करेंगे एंट्री। कौन सी फर्स्ट एक्सेप्ट? ये जो 90 है ना? नहीं बिल्कुल, 90 मशीन एक्सेप्ट ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो मैं बताऊँ, मैं एंट्री किसकी करूँगा? तो वो जो कम प्राइस हुआ सामान एक्सेप्ट तो हुआ है, लेकिन एक्सेप्टेंस की एंट्री नहीं करने जा रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस की एंट्री तब होती जब मैंने भेजते समय कोई एंट्री ना की होती। मैंने भेजते समय इसकी एंट्री कर दी थी, लेकिन एक्सेप्टेंस मेरी इच्छा क्या थी, मेरा विश्वास क्या था कि ये बिकेगा कितने पे, 280, ये बिका कितने पे, 250 पे। तो मेरा विश्वास बना तो रहा कि हाँ ये बिकेगा, लेकिन विश्वास कम हो गया, तो उसने रिवर्सल की एंट्री मुझे बनानी है। एक्सेप्टेंस की नहीं बनानी, उसके रिवर्सल की बनानी है। चीज बिकी तो है लेकिन कम दाम पे बिकी है, तो जो 30 रुपए कम दाम पे बिका ना, उसकी एंट्री बनानी है गुड़िया मेरे को। तो उसके लिए नंबर सेल्स अकाउंट डेबिट रिवर्स हो जाएगी ना, टू ट्रेड रिसीवेबल 2700 से उल्टा कर दिया ना, रिवर्स कर दिया मैंने। कितने पीस थे भाई ये? 90 पीस थे। यस सर। 30 रुपए के हिसाब से करनी थी हमें से। 2700 जो भी आ जाएगा। और यहाँ सर ये तो अब हमारे खून में है, आप अगर हमसे प्लाज्मा मांगोगे तो ये वाली एंट्री निकल करके आएगी, खून नहीं निकल करके आएगा। पहली एंट्री क्या है सर, बता दो जल्दी से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स अकाउंट डेबिट, ये पेन थोड़ा खराब सा चल रहा है, रेड पेन थोड़ा सा मोटा है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और कितने पीस थे भाई ये? 210 पीस थे, 280 का सेलिंग। ठीक है सर, अगली एंट्री स्टॉक विद कस्टमर्स। हाँ, इन्वेंट्री या स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कितने से? ये कॉस्ट प्राइस 200 ऊपर कॉस्ट प्राइस लिखा, हाँ 200 लिखा, 210 इंटू 200। ये जी हमारा पूरा आंसर। अब देखो हमने सारे केस कर लिए, हायर वाला भी कर लिया, लोअर वाला भी कर लिया, नॉर्मल वाला भी कर लिया, सब कर। Yes, sir. अब सर अब हम हो गए इससे फेड अप, ओकेजनल वाले से। ओकेजनल वाले के हमने सारे केस कर लिए, अब तो सर आप कुछ नया कराओ। हाँ जी नया करेंगे, बुक में से ही ढूंढेंगे क्वेश्चन। चलो ये हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सर हो गया। हाँ जी ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सबीना जी आप कह रही हैं कि
आपको कैलकुलेशंस में डाउट हो रहे हैं? यस सर। कैलकुलेशन में कैसा डाउट? मतलब एक काम करना sir. अच्छा एक काम करना, मैं बताता हूँ, एक काम करेंगे। खामखा में क्यों इन सबको पकड़ करके रखूं मैं? हम ना एक काम करेंगे, क्लास के बाद, वैसे मेरी एक और क्लास है कल मॉर्निंग में, या फिर जैसे भी, आप ना अपनी कॉपी सामने रखना, जो जो मैंने लिखवाया है ना वो कॉपी अपने सामने रखना, और मेरे से पूछना कि सर इसमें ये वाली फिगर कैसे आई, तो हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, फोन पे बात कर लेंगे, चाहे एक ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल एक रख लेंगे, या फिर ये जूम की मीटिंग एक वन टू वन रख लेंगे, जो भी डाउट है उससे समझ में आ जाएगा। बट क्लास के टाइम पे भी, जैसे अभी क्लास चल रही है ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट अगर रह जाता है ना, फिर बाकी का भी समझ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, होता है सर। एक बात बताओ कि कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत आती है, ये जानने में कि भाई ये अमाउंट कैसे आ गया? हाँ, इसमें ही होता है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कह रहा, अपने दोस्तों से पूछ लो, वो बस अमाउंट सिर्फ ये चेक करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तभी मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, मार्कर से कर देता हूँ। अच्छा खैर, मैंने आपका डाउट ले लिया, ये मेरे को पता लग गया। आप ना एक बात और, चैट में मत बोला करो, चैट में कम पढ़ता हूँ थोड़ा सा, जब हमारे पास वन टू वन फेस टू फेस बात करने का ऑप्शन है तो फिर क्या दिक्कत है। नहीं सर, मैं पूछ तो रही थी, बट बार बार ऐसे इंटरप्ट करना क्लास को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने मैसेज कर दिया। जितनी बार मर्जी इंटरप्ट कर, कोई टेंशन नहीं, थी क्लास है, तू ही नहीं इंटरप्ट करेगी तो कौन इंटरप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। ये क्या है जी, ओकेजनली वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ओकेजनल से अलग है क्वेश्चन। मतलब वो बोलता है कि भाई हमने करा था ना कि एक होता है केस ओकेजनली, एक होता है हाँ जी रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली मेरे बिजनेस में ऐसा होता है, और एक होता है वॉल्यूमिनस, बहुत ज्यादा होता है ना, कि नॉर्मली, इसका मतलब होता है नॉर्मली के हाँ ऐसे सरफेरे मेरे दुकान पे आते रहते हैं आमतौर पे, तो उसके लिए मैं क्या करता था, ऐसे लोगों के लिए फिर मैं एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर देता था, और वॉल्यूमिनस में क्या होता था, मैं एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट बना देता था। यस सर। और जी यही करना है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ दीजिए पहले। ए फर्म सेंडिंग गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग देयर चॉइस टू रिटर्निंग द गुड्स विद इन 15 डेज, 15 दिनों में सामान वापस आ जाना चाहिए अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो, ऐसा हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी, हमने ना मिस्टर ए हमारा एक कस्टमर था, और ये क्या कर दिया, तो हाथ नहीं हाँ जी बेटा एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो एक कस्टमर था जिसको कि हमने ना 5 मार्च को सामान भेजा 1200 रुपए के गुड्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं टेंशन फ्री होकर के, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना। 5 मार्च को एक था, बी 11 मार्च को हमने भेजा सामान, 2500 रुपए का सामान उसको हमने भेजा। 17 मार्च को हमने सी को भेजा सामान 1500 रुपए का, 20 मार्च को डी को भेजा
2800 का, ये इनवॉइस नंबर लिखे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस। अच्छा आप आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ, बाय द एंड ऑफ मार्च 2018 ए एक्सेप्टेड द गुड्स, यानी कि लिखा हुआ है ए ने सामान को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी, बाय द एंड ऑफ मार्च 2018 उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप लोगों से मेरा सवाल कि हम इसको 31 मार्च को एक्सेप्टेंस माने या उससे पहले भी एक्सेप्टेंस माने, आप लोगों से मेरा सवाल। तो जैसे 15 दिन कंप्लीट हो जाए उतने दिन में मान ले फिर। हाँ बिल्कुल सही, बीच में बच्चे ने जवाब दिया, बोला कि सर जैसे ही 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना वैसे ही हम इसकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे, एक्सेप्टेंस के लिए हम इसकी एक्सेप्टेंस के लिए हम ईयर एंड का वेट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो हम इसको एक्सेप्टेंस तो मानेंगे लेकिन 5 मार्च के बाद में 31 मार्च तक जाने की जरूरत नहीं है, 15 दिन हमारे लैप्स हो जाएंगे 20 मार्च को, तो 20 मार्च को ही हम इसकी इसको सेल मान लेंगे। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गई बात। जरा एक बारी ये इसके बटन को ऑन करना, एक सेकेंड ठहरना बच्चों। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं। मार्च 11 बी को सामान भेजा था 2500 रुपए, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, शायद सी रिटर्न द गुड्स और बी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। बोलो जी बोलो, बी को 31 मार्च पे क्या माने हैं? एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट मानेंगे सर, एक्सेप्टेड मानेंगे। क्यों क्यों एक्सेप्टेड मानेंगे? इसलिए एक्सेप्टेड मानेंगे सर क्योंकि हमने 15 दिन का समय दिया था, भाई साहब ने हमें जवाब ही नहीं दिया, इन्होंने एक्सेप्टेंस, इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है एक्सप्रेसिवली नहीं इम्प्लाइडली, ठीक है सर। अब सी की बात हो रही है, मार्च 17 को सी को हमने सामान भेजा था 1500 गुड्स, अब यहां लिखा हुआ है सी रिटर्न्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1000 एंड एक्सेप्टेड रिमेनिंग गुड्स, तो सी को 1500 रुपए का सामान दिया था हमने, ये 1500 को जरा बाहर लेकर के आओ, 1500 में से 1500 की दो कैटेगरी बनाएंगे हम, एक तो 1000 और दूसरा 500। 1000 इसने कर दी रिटर्न, और 500 इसने कर दी एक्सेप्ट। बेटा जितना भी बाइक चल रहा है ऑफ कर लो। अच्छा इसके बाद में डी, डी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सी की पिक्चर तो हमारे को क्लियर है, डी की पिक्चर के बारे में क्या है? डी में बोला गया 2800 का सामान हमने 20 मार्च को भेजा है, बोलो एक्सेप्टेंस मानू रिजेक्शन मानू क्या मानू? कैंसिलेशन होगा ना ये तो। हाँ मैंने आपसे बोला कि क्या करें इसका, तो देखो cancel. सर सीधी सी बात है, 20 मार्च है,
ये केस कौन सा है? ना ही हाँ ना ही ना। सर क्या ये रिजेक्टेड है? नहीं। क्या ये एक्सेप्टेड है? नहीं। क्या डेट एक्सपायर हो गई? टाइम नहीं, नहीं सर नहीं। तो ये कौन सा केस है? इसके अंदर कैंसिलेशन हो गया। यस सर। चलो अब ना हम इसको करने का तरीका कैसे रखते हैं, भाई क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? क्वेश्चन बोलता है कि गुड्स जो सेल की गई थी ना वो 40% प्रॉफिट पे की गई थी, यानी कि 40% ऑन प्रॉफिट ऑन 40% ऑन कॉस्ट। हमें हर एक चीज की कॉस्ट दी हुई है। चलो ठीक है करेंगे। अब हमें क्या करना है? सबको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब आप सॉल्यूशन करने के लिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये इस तरीके की टेबल बनाएंगे आप। टेबल में आप तीन बनाएंगे चीजें, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, दूसरा गुड्स रिटर्न, और तीसरा गुड्स एक्सेप्टेड, और चौथा बैलेंस। चार कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम बनाएंगे गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल का, बना लो। दूसरा गुड्स रिटर्न का, तीसरा गुड्स एक्सेप्टेड का, और चौथा बैलेंस का। और फिर गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल के अंदर फर्दर तीन कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही गुड्स रिटर्न के अंदर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और गुड्स एक्सेप्टेड के अंदर भी डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। बैलेंस के अंदर कुछ नहीं बनेगा। बना लो बेटा फटाफट से। सर हाँ जी बेटा। सर मेरा फोन लेग कर रहा है, तो आप इसका लिंक सेंड कर सकते हैं? क्या करना है सर? फोन मेरा लेग कर रहा है, तो आप इसका लिंक सेंड कर देना। अभी मैं लिंक क्या, मैं पूरा का पूरा क्या नाम है इसका पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा जो आज की क्लास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी इधर सुनो सर। हाँ बेटा। सर ये क्वेश्चन बुक में कहाँ है? ये क्वेश्चन बुक में कहाँ है मतलब ये इलस्ट्रेशन में तो नहीं है? पुरानी बुक में नहीं है, ये नई बुक में नहीं है। नहीं मेरे पास नई बुक है, नई बुक में भी नहीं है। नई बुक में भी नहीं है, पुरानी में भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। लो यस। होना चाहिए क्योंकि मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। सर पुरानी में सिर्फ 5 ही है। पुरानी में 5वीं है। चलो सर नए में 7 है, बट वो सारे ये ओकेशनली वाले पे ही है। अच्छा चलो झगड़ा मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। अगर टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो जाए मतलब, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस है ना? हाँ जी देखो सीधी सी बात है। और अगर ये मैंने बोला कि ना भाई 15 दिन के अंदर जवाब दे देना, या तो हाँ या तो ना, और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ? एक्सेप्टेंस मान लेता हूँ। और अगर उसके बाद अगर बहुत देर मतलब लेट अगर उसने बोला कि नहीं अब हमें नहीं चाहिए, तो अगर वो वापस कर दे? अगर नहीं चाहिए था तो विद इन टाइम पीरियड हाँ बोल ना बोलना चाहिए था। और अगर उसके बाद बोला फिर उसकी एंट्री, फिर उसकी कोई लेना देना नहीं है, उसको तो हम सेल्स मान ही चुके हैं। जब हमने भेजा था तभी उसकी एंट्री बना ली थी, तो फिर दोबारा एंट्री नहीं बनाएंगे? नहीं बनेगी एंट्री मतलब ना। ओके सर। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यही वाली ए बी सी डी सबके सारे पर्टिकुलर्स भर लेंगे विद डेट्स। जो ये डेट्स लिखी हुई है ना, और ये जो कस्टमर के नाम लिखे हुए हैं, यही एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। चलो लिखते हैं। पहली डेट है हमारे पास में कौन सी? 5/3। चलो जी शुरू हो जाओ। 5/3 को हमने भेजा था ए को, अमाउंट कितना था? 1200 रुपए। ठीक है। 11/3 को हमने भेजा बी को, और 2500 रुपए का सामान था। फिर 17/3 को भेजा हमने सी को, 1500 रुपए का सामान था। और फिर 20/3 को हमने भेजा डी को, 2800 रुपए का सामान। ठीक है जी। अब ए को जो हमने 1200 रुपए का सामान भेजा था ना, उसने हमें एक्सेप्टेंस दी थी,
लेकिन इसकी इसका टाइम पीरियड इसका इसका एक्सेप्टेंस कब आ गया था हमारे पास में, एक तरीके से 15 दिन बाद, यानी कि 20-3 को ही आ गया था। इसने तो जाकर के ईयर एंड पे हमारे को एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन हमारे पास तो इसकी एक्सेप्टेंस 20-3 को ही आ गई थी। क्यों? क्योंकि इसने माल को रिटर्न किया नहीं था, तो हमने इसको एक्सेप्टेंस मान ली थी। पर्टिकुलर में लिख देता हूँ ए, और अमाउंट में लिख देता हूँ जी 1200 का सामान, ठीक है। इसके बैलेंस में कुछ नहीं बचा। बी भाई साहब ने क्या किया, बी भाई साहब ने एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है जी, अप्रूव किया था इंप्लाइड, कब? 26-3 को, इनका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया था बी का, और इसने 2500 रुपए का माल एक्सेप्ट कर लिया था। ये इंप्लाइड था, ये भी इंप्लाइड था, बैलेंस कुछ नहीं बचा। अच्छा जी, फिर सी भाई साहब के पास में क्या हुआ, 31 मार्च को उसने कुछ रिटर्न कर दिया, और 31 मार्च को उसने कुछ एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न की थी 1000 गुड्स और एक्सेप्ट की थी 500 गुड्स, ठीक है, बैलेंस में कुछ नहीं लिखा। अच्छा, 20-3 को डी ने, भाई साहब ने ना कोई हाँ दिया ना कोई ना दिया, तो बाकी सब कुछ हर जगह पे ये हाँ या ना या सब कुछ निल हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा 2800। क्यों? क्योंकि सर अभी इसका टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ, अभी इसका टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको डबल लाइन लगा करके बंद कर देते हैं। कितने का सामान हमने टोटल भेजा? 8000 का। 1000 का सामान हमारा वापस आ गया, इसको भी डबल लाइन लगा के बंद कर, ठीक है जी। और एक्सेप्ट कितने का हो गया सर? एक्सेप्ट हो गया 4200 का सामान, और बैलेंस कितना बचा हुआ है हमारे पास में स्टॉक विद कस्टमर के नाम से? 2800। ये टेबल हमने इस तरीके से बना ली, यानी कि वैसे तो हम क्या करते थे, अलग अलग एंट्रीज करते थे, अब क्योंकि ये नॉर्मली है हमारे पास में, तो हमने एक टेबल बनाई है इस तरीके से, हमने कहा सबको इकट्ठा करके ना ये अब जिस्ट में हमारे पास में ये आ गया, क्या आया, ये आया हमारे पास में कि सर 8000 का सामान भेजा था, जिसमें से कि 1000 का सामान वापस आ गया है, 4200 का रिटर्न हो गया, और 2800 की हमें कैंसिलेशन की एंट्री बनानी है। ये हमारे पास में जो है ये हमारे को पता लग चुका है, सारा का सारा जिस्ट सामने आ गया। अब जी चलो जैसा लिखा है उस हिसाब से एंट्रीज कर देंगे। आज से पहले हमने कोई एंट्री नहीं की थी, आज से पहले हमने कोई एंट्री नहीं की थी, माल भेजते समय हमने कोई एंट्री नहीं की थी, क्योंकि हम ईयर एंड की वेट कर रहे थे, हम मंथ एंड की वेट कर रहे थे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आई? पिछले वाले केस में ओकेजनली के अंदर हम क्या करते थे, ओकेजनली के अंदर हम करते थे जैसे ही माल भेजेंगे वैसे ही एंट्री करेंगे। अब की बार मैंने अकाउंटेंट को बोला, मैंने कहा अकाउंटेंट ठहर जा, एक काम कर, इनके लिए ना सेपरेट बुक्स लगा ले, और सेपरेट बुक में इनका अकाउंट मेंटेन कर ले, लास्ट में जब जाकर के हम एक एंट्री बना देंगे मंथ एंड पे, एक ही एंट्री बनाएंगे लास्ट में जाकर। अकाउंटेंट कहता है ठीक है, इस सिस्टम के अंदर यही होता है बच्चों। अब सारी चीजें हमारे साथ में, तो हम ना एक एंट्री बनाएंगे, पहले तो सेल्स की नंबर वन एंट्री बनाएंगे हम सेल्स की, ठीक है। और किस किस को हमने सेल किया, ए को किया, बी को किया, सी को किया, तो हम लिखेंगे ए अकाउंट डेबिट। अब ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिख रहा मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास में ए बी सी का नाम है ना, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मली वाला क्वेश्चन है। ए को 1200, बी को 2500 और सी को 500 का टोटल सेल्स किया मैंने, और टोटल मेरी सेल्स हो गई जी 4200 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड,
to A, B and C. अच्छा जी, ये तो मैंने सेल्स की एंट्री कर ली नंबर वन. अब जिन लोगों ने मेरे को सामान वापस किया है, क्या मुझे उनकी एंट्री करनी चाहिए? बोलो बच्चों. यस सर. नहीं करनी चाहिए. नो सर, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं करी. भैया सुनो मेरी बात, भावनाओं को समझो अंदर से. जब सामान किसी के पास भेजता हूं और सेल की एंट्री करता हूं और वो वापस मेरे मुंह पे सामान को मार देता है, तब जाकर के मैं रिटर्न की एंट्री बनाता हूं. अब की बार भेजते समय मैंने एंट्री नहीं की थी, तो रिटर्न आते समय कौन सी एंट्री करूंगा जी? बात समझ में आई? तो इसकी रिटर्न की नो एंट्री होगी. नो एंट्री फॉर रिटर्न्स as earlier on sending of goods, no entry as earlier on sending of goods, no entry were made. ठीक है सर. तीसरा, जिनको सामान जो लोगों ने हमारे पास में सामान हमारा अपने पास रखा हुआ है, भेजते समय हमने उसकी एंट्री नहीं की थी, लेकिन आज अपने पास में उसकी एंट्री करूंगा. क्यों? क्योंकि सामान उनके पास है और टाइम पीरियड अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ. तो उस केस में मैं क्या एंट्री करूंगा? स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री करूंगा सर. तो ये बैलेंस की कर रहे हो? अभी एक सेकेंड लिख लूं पहले, फिर मैं क्या नाम है करता हूँ यहाँ पे सर. पहले लिख लेने दो, मैं समझाता हूँ. स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. हाँ बेटा बोलो. सर मुझे न... बोलो सर, मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई. आपने बोला था जब सेल हो जाती है तो अगर हम सेल की एंट्री कर देते हैं तो फिर एक्सेप्ट की हम एंट्री नहीं करते हैं. हाँ. और रिजेक्ट की तो करते हैं ना, बट इसमें तो हो ही नहीं रही रिजेक्ट की. हाँ, I mean, रिटर्न की. अब सुनो, अब ध्यान से सुनो. पहले कसम खाओ कि मैं आपकी बात सर ध्यान से सुनूंगी. पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ. जब हम करते हैं ना, हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं. एक तो होता है ओकेजनली, एक होता है नॉर्मली. तो वो ओकेजनली के सिस्टम थे जो हमने फॉलो किए. अच्छा. वो ओकेजनली के सिस्टम थे. अब क्या आ गया? नॉर्मली. नॉर्मली. नॉर्मली के अंदर हम क्या करते हैं, ये सुनो ध्यान से. नॉर्मली के अंदर हमने सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं. ये देखो, तुम्हारे सर ने सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया ना. हाँ सर की. हाँ जी. और पता लगा लिया कि कितने का सेंड किया, कितने का रिटर्न आ गया, कितने का एक्सेप्ट आ गया और कितने का बैलेंस हमारे पास आ गया. तो ये सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया. अब इस साथ में मुझे एंट्री करनी है. अब ये वाला सिस्टम क्या कहता है? ये वाला सिस्टम कहता है, बात सुनो, पहले से कोई एंट्री मत करना, भेजते समय कोई एंट्री मत करना. तो जब भेजते समय कोई एंट्री नहीं की तो ईयर मंथ के एंड में एंट्री कर दी, नंबर वन. नंबर टू, जब भेजते समय कोई एंट्री नहीं की थी तो रिटर्न करते समय एंट्री क्यों करूंगा? देखो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा नो एंट्री फॉर रिटर्न्स. नंबर तीन, मेरा कुछ सामान मैंने भेजा था जिसकी की एंट्री नहीं की थी, जिसकी की एंट्री नहीं की थी, लेकिन वो कुछ कस्टमर के पास है और टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ. ऐसे केस में हम दो एंट्रीज करते थे ना. सामान जब कस्टमर के पास होता था और टाइम पीरियड भी एक्सपायर नहीं होता था, दो काम करते थे ना. क्या करते थे? एक तो सेल्स के कैंसिलेशन, कैंसिलेशन
और क्लोजिंग स्टॉक जब मैंने भेजते समय सेल्स की एंट्री नहीं की तो उसके कैंसिलेशन की एंट्री का तो मतलब ही नहीं उठता, तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी यहाँ पे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सी वाली, जो मेरा स्टॉक मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ सिर्फ उसी की एंट्री होगी और वो भी कॉस्ट प्राइस। ओके सर, तो ये बैलेंस की एंट्री है ना? हाँ ये बैलेंस की एंट्री है। और 2800 का माल था, 2800 हमारा सेल्स प्राइस था, हमारे को पता करना है कॉस्ट प्राइस। कैसे पता करूंगा सर? इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपने प्रॉफिट्स 40% है पक्का? यस सर। सेल्स प्राइस कितना है? 140। प्रॉफिट कितना है? 40। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ऑन कॉस्ट लिखता है ना, तो जो भी लिखा होता है ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स उसको हम 100% मान लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम निकाल लेते हैं इसको। 2800 यदि अपने आप में 140% है तो बताइए 100% कितना होगा? जवाब आ गया 2000 रुपए, है ना? ठीक हूं ना मैं? यस सर। प्राइस आ गया जी 2000। ठीक है जी, तो 2000 रुपए से हम यहाँ पे ये एंट्री कर देंगे। एक सेकेंड है मैं। हाँ जी बच्चों,
ये है हमारे पास में वॉल्यूमिनस का क्वेश्चन, मेमोरेंडम बुक्स का। देखना जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, डेट वाइज दिया हुआ है यहाँ पे, आपकी मॉड्यूल का ही अनसॉल्व क्वेश्चन है ये, 10/12/2019 को। एक सेकेंड है,